दिल्ली NCR समेत देश भर में मौसम का रुख बदल चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर साउथ के राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली NCR के इलाकों में शुक्रवार शाम धूल भरी आंधी और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी हल्की बारिश के आसार जताए हैं। आइए देखते हैं देश भर का मौसम अपडेट क्या है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शुक्रवार देर शाम धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश का होने का पूर्वानुमान किया था। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में देर शाम 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। IMD ने कहा कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण शहर का मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी चलने या गरज के साथ छींटे पड़ने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 संभागों में शुक्रवार को 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी दी है। राज्य के अनेक हिस्सों में गुरुवार देर शाम तेज उखड़ आया राज्य के अनेक हिस्सों में गुरुवार शाम तेज आंधी आई, जिससे बहुत सी जगहों पर बिजली के खंभे आदि का नुकसान हुआ। मौसम केंद्र जयपुर ने एक सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर के बाद तीव्र गरज के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में आंधी के साथ साथ कहीं कहीं बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। उनके अनुसार नए मौसमी तंत्र का प्रभाव 8 से 9 जून को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में बादलों की गरज, आंधी, हल्की बारिश के रूप में जारी रहेगा। वहीं 10 जून को कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी आने, बारिश होने, साथ ही मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के दक्षिण हिस्से में मॉनसून गुरुवार को समय पर पहुंच गया। बारिश अब तक कोल्हापुर, सातारा और सांगली पहुंच चुकी है। पुणे के IMD एक्सपर्ट ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में मुंबई, पुणे के ऊपर मॉनसून आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी तट पर भारी और बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासकर मुंबई और मुंबई के दक्षिण में 10 से 12 जून के आसपास होगा। ये NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।